व्याकरण जी के वर्ग का ये जो वीडियो है ये आपका है रस छंद एवं अलंकार के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कांस्टेबल में बहुत ही ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, ठीक है। तो जितना आपको इस वीडियो में है दिया जा रहा है आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से देखिएगा। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेज दूंगा, ठीक है। तो वहाँ आपको पीडीएफ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काव्य की आत्मा या प्राण तत्व, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा, याद रखिएगा कि काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रसों को कहते हैं काव्य की आत्मा या प्राण तत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रस के अवयव होते हैं, तो याद आपको याद क्या रखना है कि रस के जो अवयव जो होते हैं वो चार होते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए बस यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप अंदर से कुछ पूछ लिया जाता तो वो भी याद रखिए। देखिए अवयव क्या है, स्थायी भाव, ये देखिए यहाँ पर ये स्थायी भाव, फिर क्या है विभाव और अनुभाव, फिर संचारी भाव और व्यभिचारी भाव। तो ये चार भाव होते हैं किनके, रसों के अवयव। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी में मूल रसों की संख्या मानी गई है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइएगा अगर आपसे बोले हिंदी में मूल रसों की संख्या मानी गई है, या फिर ये बोले कि हिंदी में रसों की कुल संख्या है, तो आपको लिखना है नौ ही, ठीक है। नौ याद रखिएगा कि हिंदी में मूल रसों की संख्या कितनी है, कुल नौ है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि आचार्यों द्वारा किन दो रसों के जोड़ने से, ठीक है, जब क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि नौ रसों में किन दो रसों को और जोड़ने से इनकी संख्या 11 हो जाती है, तो याद रखिएगा कि किन दो रसों को जोड़ा गया है, वात्सल एवं भक्ति, ठीक है। इन दोनों रसों को जोड़ने पर क्या हो जाती है, रसों की संख्या हो जाती है कुल 11, बट मूल रस जो है नौ ही है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रसों का स्थायी भाव जो है क्या है, तो याद रखिएगा कुल स्थायी भाव को मैंने अभी आपको बताया, अगर मूल पूछे जाए तो आपके वो नौ ही हैं, लेकिन अगर पूछे जाए कि स्थायी भावों की कुल संख्या है तो वहाँ पर आप लिखेंगे 11, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सी याद रखिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं आप इस चीज़ों में, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा दिमाग पर रख कर चलिएगा और बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए महत्वपूर्ण रस एवं उनके स्थायी भाव, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए, बस आपको इस टॉपिक से ये याद रखना है, क्योंकि स्थायी भाव जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव क्या है वो है रति, ठीक है। याद रखिएगा प्रेम भी बोलते हैं बट मोस्टली याद रखिएगा रति, ठीक है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। करुण रस का स्थायी भाव है आपका शोक, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव है आपका क्रोध। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि विभत्स रस का जो स्थायी भाव क्या है, देखिए जुगुप्सा भी बोलते हैं और घृणा भी बोलते हैं, यानी जब किसी चीज़ को हमको देख के घृणा उत्पन्न होती है तो वहाँ पर विभत्स रस होगा, या फिर इसका जो स्थायी भाव है आपका याद रखिएगा जुगुप्सा या फिर घृणा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि अद्भुत रस, तो ये इसका जो स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। शांत रस का जो स्थायी भाव है ये आपका है निर्वेद। और देखिए यही दो जो रस हैं बाद में जोड़े गए हैं, वात्सल रस की जो स्थायी भाव क्या है वात्सल रति, और भक्ति रस का जो स्थायी भाव है इसके बोलते हैं भगवत विषयक रति या फिर देवदत्त विषयक रति, दोनों ही इनके स्थायी भाव कहे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रसपति एवं रसराज की संज्ञा दी जाती है, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि रसपति एवं रसराज की संज्ञा जिसे दी जाती है वो है आपका श्रृंगार रस, ठीक है। और भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या मानी है, तो याद रखिएगा कि भरत मुनि ने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन समझ लीजिए, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने रसों को माना है, तो याद रखिएगा कि इन्होंने कुल 8 रस माने, और इन्होंने किस रस को रस नहीं माना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा कि भरत मुनि ने शांत रस को है रस नहीं माना, ठीक है। और यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या मूल रसों का स्थायी भावों की संख्या अगर पूछ ली जाए, तो याद रखिएगा कि मूल रसों में स्थायी भाव की कुल संख्या क्या है आपकी, 9, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सभी, बहुत अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
हिंदी के प्रख्यात जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यूपी पुलिस परीक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो हिंदी के प्रख्यात कवित्री जो हैं महादेवी वर्मा जी, किस रस की कवित्री मानी जाती हैं? तो याद रखिएगा कि ये करुण रस की कवित्री मानी जाती हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि बिहारी किस रस के कवि माने जाते हैं मुख्यतः? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। कवि बिहारी जो माने जाते हैं भक्ति रस के कवि माने जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि टा ठा डा और धा वर्णों का प्रयोग, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन याद रखिएगा कि टा ठा डा वर्णों का प्रयोग या माधुर्य गुण बोलते हैं को, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं? तो याद रखिएगा हमेशा श्रृंगार रस में मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट को है देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं जो एग्ज़ाम परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा इनको याद रखिएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या आपका, मड़ी खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी सीस, ठीक है, याद रखिए क्या है, मड़ी खोई भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी सीस, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। तो उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो याद रखिएगा यहाँ शोक है, विलाप है, तो ये क्या है, करुण रस की पंक्तियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो याद रखिएगा कि संचारी भावों की कुल संख्या मानी गई है 33, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि छंदों की उत्पत्ति, यहाँ से आपके छंद स्टार्ट होते हैं और मोस्ट आईएमपी ये भी याद रखिएगा, तो छंदों की उत्पत्ति मानी गई है धातु से, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और छंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा पिंगल नाम से जाना जाता है, ये एक मतलब ऋषि मुनि थे, इनके नाम से ये रखा गया है इसका नाम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि छंदों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पिंगल नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छंद प्राय कितने चरण होते हैं? तो याद रखिएगा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ये है कि छंद के जो चरण होते हैं हमेशा 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हिंदी में दो पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद, याद रखिएगा होते हैं 4 चरण, पर ये लिखे जाते हैं सिर्फ दो पंक्तियों में, यानी दो लाइन में इनका पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये दोनों कौन है? एक तो आपका दोहा है और दूसरा आपका सोरठा है। याद रखिएगा कि हिंदी में जो दो पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद कौन से? दोहा और सोरठा। देखिए बहुत सारे में आपसे छंदों को पहचानने के लिए भी आता है, लेकिन आपका यूपी पुलिस परीक्षा के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पर आप किसी आईएएस का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं और ना ही आप किसी टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं जो आपको वहाँ पर पहचानने के लिए दिया जाए। मोस्टली आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो इसे पूछे जाएंगे वो मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो क्या है कि दो पंक्तियों में जो लिखे जाते हैं वो क्या है? दोहा और सोटा, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी में 6 पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दो पंक्तियों हैं और ये 6 पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद है, ठीक है। तो याद रखिएगा हिंदी में 6 पंक्तियों में लिखे जाने वाले छंद कौन से हैं? कुंडलियाँ एवं छपमय छंद, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सम चरण कौन होते हैं? तो आपने पढ़ा होगा पहला और तीसरा चरण सम चरण होता है, विषम चरण क्या होते हैं? दूसरा और चौथा चरण। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे जा सकते हैं। तो सम चरण कौन से होते हैं? पहला और तीसरा चरण। आप समझ रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि देखिए जितने भी आपके छंद होते हैं उनके 4 चरण होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए जो इनके पहला और जो तीसरा चरण होगा इसे क्या बोलेंगे हम? सम चरण। और दूसरा और चौथा क्या होगा? इसे हम बोलेंगे विषम चरण। तो इंपॉर्टेंट है दोनों ही याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छंदों के चरणों को लिखते समय विराम के लिए प्रयोग किया जाता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि छंदों के चरणों को लिखते समय विराम का प्रयोग करते हैं यति के रूप में, ठीक है, यति याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि छंदों को पढ़ने का प्रभाव किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा छंदों को पढ़ने का प्रभाव कहते हैं गति को, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि छंदों में गणों की संख्या क्या है? तो याद रखिएगा छंदों में गणों की संख्या कुल मानी गई है 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो याद रखिएगा छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, जिस छंदों के चारों चरण समान होते हैं, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन याद रखिएगा, जिन छंदों के चारों चरण समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जिनमें चारों चरण समान हो वो कहेंगे सममात्रिक छंद, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सममात्रिक छंदों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा कि सममात्रिक छंदों का प्रमुख उदाहरण है आपका चौपाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दोहे का उल्टा छंद माना जाता है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है, तो दोहे का उल्टा छंद माना जाता है आपका सोरठा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि पहले व तीसरे चरण में 13-13 एवं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं वाला छंद है, तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ये, तो याद रखिएगा दोहा, ठीक है, पहले व तीसरे चरण में 13-13 एवं चौथे और
सॉरी तीसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा वाला छंद जो है आपका है दोहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, छंदों के प्रकार माने गए, क्या लिखिएगा, छंद कुल तीन प्रकार के माने गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोहा और रोली, याद रखिएगा ये थोड़ा सी क्या है, दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर किस छंद की निष्पत्ति होती है, याद रखिएगा दोहा और रोला को मिलाने में जो जिस छंद की निष्पत्ति होती है ये आपकी कुंडलियाँ, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दोहा और प्लस रोला को मिलाने से जो छंद बनता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा वो कुंडलियाँ होता है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएँ होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएँ होती हैं कुल 16, ठीक है, और अर्धमात्रिक छंद का उदाहरण कौन है, तो ये आपका है दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिन छंदों में वर्ण एवं मात्राओं का प्रतिबंध ना हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि जिन छंदों में वर्ण एवं मात्राओं का प्रतिबंध ना हो वह क्षण वो छंद क्या कहलाएंगे, तो याद रखिए वे कहलाएंगे मुक्त छंद, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ से आपके अलंकार स्टार्ट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका याद रखिएगा, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपका है आभूषण, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि हिंदी के कवि केशव दास कवि माने जाते हैं, तो एकमात्र ऐसे कवि हैं हिंदी के जो क्या है अलंकारवादी हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखेगा, अलंकारों का ये बहुत प्रयोग करते थे, तो इनका नाम याद रखेगा कवि केशवदास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अलंकारों के मूल भेद क्या है, देखिए जब मूल भेद आपसे पूछे जाए तो इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखिएगा, दो ही हैं, शब्द अलंकार और अर्था अलंकार, इंपॉर्टेंट है याद रखेगा। लेकिन अगर आधुनिक युग में अलंकारों की संख्या मानी जाती है तो यहाँ पर तीन हो जाती है, आधुनिक युग जब लिखा हो तो आप तीन बताइएगा, लेकिन अगर अलंकारों के मूल भेद पूछे जाए तो सिर्फ दो ही है, ठीक है। तो आधुनिक युग में माने जाते हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और पश्चात अलंकार, एक और जुड़ जाता है आधुनिक युग में, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वर्णों की आवृत्ति जहां बार बार होती है वहां अलंकार कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा जब वर्ड्स की आवृत्ति बार बार हो तो वर्ण तो आप समझ ही रहे होंगे, यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर की अगर आवृत्ति बार बार हो रही है तो वहां कौन से अलंकार होंगे, तो वहाँ होंगे अनुप्रास अलंकार। और शब्दों की आवृत्ति जहाँ बार बार हो ये भी इंपॉर्टेंट, और जितने अलंकार आपको दे जा रहा है यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बस इतने ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा शब्दों की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ कौन से अलंकार होते हैं, वहाँ आपके होंगे यमक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहाँ कई शब्द एक साथ जुड़े हों वहाँ कौन से अलंकार होंगे, तो वहाँ होंगे श्लेष अलंकार। और उपमेय उपमान की समानता बताने वाले अलंकार क्या होते हैं, याद रखिएगा उपमेय में उपमान की समानता बताने वाले जो अलंकार होते हैं इन्हें बोलते हैं उपमा अलंकार, और उपमेय में उपमान की जहां संभावना की जाए वहां होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए तो वहाँ पर आपका होगा रूपक अलंकार। ये डेफिनेशन जितनी लिखी हुई है आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आपका यूपी पुलिस परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाएंगे कि उपमेय में उपमान का आरोप हो रहा है तो वो कौन सा अलंकार है, उपमेय में उपमान का संभावना हो रही है तो वो कौन सा अलंकार है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना किस अलंकार के लक्षण है, तो याद रखिएगा छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशायोक्ति अलंकार के लक्षण है। नेक्स्ट क्या, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, वो मैंने ले लिए आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो क्या है, बदयू गुरुपद पद्मू परागा, तो ये जो एग्जाम्पल किसका है, ये आपका है अनुप्रास अलंकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि कनक कनेक्ट सौगुनी मादिकता अधिकाय मोस्ट IMP क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया ये टॉपिक, तो याद रखिएगा यहाँ पर है यमक अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य और चून, तो ये यहाँ पर अलंकार कौन सा है, ये आपका है श्लेष अलंकार। और चरण कमल बंधव हरी, तो यहाँ पर अलंकार है आपका रूपक अलंकार। तो ये थे आपके छंद अलंकार और रस के वीडियो जो आपके यूपी पुलिस परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कई मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि सर प्लीज़ इस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैं आप लोगों से कहूँ अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा आपका यूपी पुलिस परीक्षा में मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।